जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, मैं पिछले लगभग 12 घंटे से यहीं पे हूं और अभी अभी VC DDA महोदय का, सुवासिस पांडा जी का फोन आया और स्वयं LG महोदय का फोन आया और ये निर्णय हो गिया है कि अब केशव नगर का एक भी मकान नहीं टूटेगा और कभी नहीं टूटेगा। जो इनकी प्लानिंग है उसको क्या बाद में विचार फिर दोबारा किया जाए? नहीं, उस प्लानिंग को, ये जो सड़क है प्रस्तावित इसको चौड़ी करनी है, उस सड़क को पल्ली साइड में चौड़ी करेंगे, इधर उतनी ही जगह ली जाएगी जितनी उनके पास है, उसी आधार पे आज ये निर्णय हो गया। और मुझे बहुत, मैं बहुत इमोशनल भी हूँ, क्योंकि मैं कल जब इन लोगों का दर्द सुना और जिस प्रकार से यहाँ कई घर टूटे भी हैं, तो मैंने बात तो रखी लेकिन मुझे भी लग रहा था पता नहीं क्या होगा, पर मैं LG विनय सक्सेना का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने लोगों की पुकार को सुनी है। मैंने रात में ट्वीट भी किया और मैंने ये भी कहा मैं रात भर यही रहूँगा, तब तक रहता जब तक फिर से बुलडोजर आता, जो भी होता। लेकिन अभी दोनों का फोन आ गया, माननीय LG महोदय का, उसके बाद VC DDA का भी आ गया कि सर ये कार्रवाई समाप्त कर दी गई है और उसको अब ये दोबारा कभी नहीं होगा और यहाँ का जो लोग रह रहे हैं वो अपने जीवन को खुशी से जिए, किसी को जो जिन्होंने अधिकारियों ने कर नोटिस दिया होगा, धमकी दिया होगा, डराया धमकाया होगा, किसी को अब कोई भी कार्रवाई नहीं होगी। ये मैं MP के रूप में आपके थ्रू भी, अभी मैं यहाँ सबको बताया भी, आपके थ्रू भी लोगों को बताता हूँ कि जो जो लोग घर छोड़ के इधर उधर भागे हैं वो भी घर में आ जाएं और अपना जिंदगी जी। ठीक।